कैसे हैं सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग खेलेंगे माइनक्राफ्ट। अभी हम लोग खेलेंगे, नहीं न्यू वर्ल्ड नहीं करेंगे, हम लोग इस वाले वर्ल्ड में खेलेंगे। दोस्तों अब स्टार्ट हो रही है हमारी वर्ल्ड। आगे ठीक दोस्तों, अब जैसे ही हो जाएगी वर्ल्ड स्टार्ट, तो दोस्तों वर्ल्ड हो चुकी है स्टार्ट। मेरे पास कुछ नहीं है, 15 मिनट तक, अभी 15 मिनट हुए हैं पूरे। तो दोस्तों मेरा हो चुका घर तमाम, जो कि पुलिस वालों के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं। ओके यार बाबा, पुलिस वालों की ड्रेस में, ताकि बाहर के जो मतलब बंदे हैं उनको भी इसके ऊपर शक ना हो। तो गाइस सर देखो, अभी मैं बताता हूं उसने हमें क्या करने के लिए बोला है। तो हमें बस वहां पर जाना है और जितने भी मिलिट्री गार्ड्स हैं ना उनके बीच से इसके, तो अभी मैं देख रहा हूँ टेक्नो गेमर्स साथ में मिथिल। मुश्किल तो है, लेकिन यार इस टाइप के काम जो है मतलब मिलिट्री से भिड़ने वाले मैं पहले भी कर चुका हूँ। बट यार दिक्कत की बात ये है कि अगर मैं ये वाला काम कर भी देता हूँ ड्राइवर को ना छोड़े तो मैं क्या करूँगा, मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही। तो मुझे ना उस चीज का भी शायद से इंतजाम करना पड़ सकता है। तो इसने मुझे बोला कि अभी तुम चाहो तो अपने साथ ड्राइवर को ले जा सकते हो, क्योंकि इस वाले काम में लेस्टर की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभी जल्दी से मैं ड्राइवर को अपने साथ लेकर चलता हूँ, लेकिन ये लेस्टर को यहाँ से नहीं जाने देगा। तो भी गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने ड्राइवर को बाहर बुला लिया, जल्दी से आजा भाई साइड से। अभी ना फटाफट से हम लोग यहाँ पर एक गाड़ी पकड़ कर निकल लेते हैं, और जैसे ये परमिशन दे देता ना हमें यहाँ से जाने की, जितने भी सोल्जर्स है ना वो हमारा पीछा करना वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं। तो भी ना जल्दी से मैं आगे चलकर गाड़ी में बैठता हूँ, और ये गाड़ी यहाँ से निकल भी पाएगी या फिर नहीं निकल पाएगी पता नहीं, वरना आगे जाकर हमें गाड़ी तो मिली जाएगी। और यहाँ पर भी ड्राइवर भी जो है भाग कर आ गया है। अब यार देखो दिक्कत की बात पता है क्या, आप लोग सोच रहे हो मैं डायरेक्टली क्यों नहीं मार देता उसको, सिंपल तो है। तो गाइस यार देखो, एक तो ना सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, यहाँ पर मैं बिग माफिया के बेटे को तब तक नहीं मार सकता हूँ जब तक ये लोग ना चेकिंग करते रहेंगे। मतलब क्या, जब भी मैं यहाँ पर अंदर एंटर होता हूँ ना तो ये लोग चेकिंग करके जितने भी वेपन्स मेरे पास होते हैं ना ये सारे के सारे यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं। तो अभी ना यहाँ से अपनी गाड़ी को बाहर करना थोड़ा सा मुश्किल है, उस साइड से अपनी गाड़ी आराम से बाहर हो जाएगी। तो गाइस यार मेरे को तो नहीं लगता कि ये गाड़ी जो है यहाँ से बाहर जाने वाली है, मतलब कि नहीं थोड़ी बहुत अटक सी जा रही है। तो यहाँ पर बड़ा आगे चलते हैं पैदल, तो शायद से ना आगे मुझे कोई ना कोई गाड़ी जरूर मिल जाएगी। एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, इस भाई साहब के वैसे सोल्जर्स मुझे कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि इनको पता है मैं बिना परमिशन के ना कोई भी चीज करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल जो है ड्राइवर भी भाग कर आ गया है, और ड्राइवर की कल इतनी ज्यादा पिटाई हुई थी फिर भी आज इतनी चोट में चल रहा है। तो अभी ना जल्दी से आकर सबसे पहले हमें ना वेपन्स का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये लोग तो वेपन्स देते हैं नहीं, उल्टा छीन अलग लेते हैं। तो भी जल्दी से यहाँ से मैं निकल लेता हूँ सबसे पहले लॉस सैंटोस के लिए, और यहाँ पर जो इसके ड्रग्स हैं उसको भी ना जल्दी से हम लोग लेकर आते हैं, फिर ये हम तीनों को छोड़ देगा अब। लेकिन इस चीज के भी सिर्फ और सिर्फ 60% चांस है। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फिलहाल मैं अपनी यूएस वगैरह वगैरह टनल में बहुत ज्यादा आगे तक आ चुका हूँ, और यार यहाँ पर ना भी सोल्जर्स की जो मतलब की क्वांटिटी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। मतलब की हर जगह हर एक पिलर पे सोल्जर ही सोल्जर यहाँ पर खड़े कर रखे हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहनूंगा अपना हेलमेट, मैं इंचार्ज पहनूंगा। तो मेरी तलवार पर लगी थी फायर एक्सपर्ट 1, अब मैं जा रहा हूँ अपनी तलवार को रिपेयर करवाने। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना इन लोगों ने ये वाला गेट बंद कर दिया, और ये जो टनल की गेट है ये इन्होंने फटाफट से खोल दिया। मतलब ये एक बंदे को मारूंगा तो देखना कितनी ज्यादा बंद कर देते हैं, तो समझ में कोई बंदा फिर यहाँ पर अंदर एंटर नहीं हो सकता। फिर फटाफट से ना अपनी जो गाड़ी को यहाँ से निकाल लेता हूँ। यूएस बहुत ज्यादा डेंजरस है तो भाई प्लीज 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 अभी कोई दिक्कत नहीं चाहिए भाई, बहुत बुरी तरह गिरी है लेकिन बच गए। मतलब इतने ज्यादा पावरफुल व्हीकल्स इनके पास होते हैं, मतलब इतने बढ़िया तरीके से बचाना पूछो मत। यार देखो ब्लैकेस नहीं करना, तो यार बेचारे ये लोग टूर पे आए हैं पर मैं इतनी बुरी तरह गाड़ी चला रहा हूँ कि अगर एक बंदा सीधा नीचे जाकर गिरेगा तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी जो है भगा दूंगा। यहाँ से निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए, और देखते हैं आज का दिन का खाना वो हम लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं अभी ले रहा हूँ एक्सपी, ट्रैवल के लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बट यार अगर हो ड्रग्स जो है मिलिट्री वालों ने उसके लिए ज्यादा सिक्योरिटी रखी हो तो फिर यार से चुराना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ओके जो गाड़ी है ना
बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है मेरे को। और हाँ यार, आप में से ना बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो यार जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर बटन दबा दो सभी लोग। तो कि गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहां पर देख तो दोस्तों मेरे भैया हाईवे पर पहुंचने वाले हो, वन शराब गेमर नहीं आए लगने वाला, क्योंकि अपनी गाड़ी जो है वो जा चुके हैं अपने घर। कौन आ रहा है? मतलब कि ना ड्राइवर मुझे ये कह रहा है कि ना इसने बिग माफिया के बेटे की ना बातें सुन ली थी, मतलब जब रात के 3 बज रहे थे, जब सारे के सारे सो रहे थे, तो वो ना सोल्जर से ये बात कर रहा था कि अगर जैसे ये मतलब कि मेरा दूसरा काम भी कर देंगे तो वो लेस्टर को छोड़ के माइकल और ट्रेवर को मार देगा। मतलब यार उसके दिमाग में ना भी ये चल रहा है कि अगर वो लेस्टर को अपने साथ कर लेता है तो यार वो कुछ भी चीज हासिल कर सकता है। उसका प्लान ये है कि अगर जब तक माइकल और ट्रेवर जिंदा रहेंगे तो ये लोग लेस्टर को बचाने में ही लगे रहेंगे। तो देखो यार, बिग माफिया के बेटे ने मुझे ये कहा था कि अगर हम लोग 10 घंटे के अंदर उसके ड्रग्स मिलिट्री वाले से वापस नहीं ला करते तो दोस्तों अभी हम लोग रिपेयर कर रहे हैं अपना प्यारा, तो भी वो पहली बात तो हमें छोड़ेगा नहीं। अच्छा, माइकल और ट्रेवर दोनों को मार के खेल कर देगा ताकि लेस्टर जो है उसके अंडर हो जाए और लेस्टर को कोई भी बचाने वाला ना बचे और वो खुद लॉस सैंटोस पर राज करे। अब यार देखो ना, समझ नहीं आ रहा किया क्या जाए, मतलब कि उस बंदे को मारा जाए या फिर उसके लिए काम किया जाए, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। बट यार अपना ना सिर्फ अभी एक ही टारगेट है, मतलब कि हमारे पास 10 घंटे का टाइम है और हमें कुछ भी करके लेस्टर को वहां से लेकर आना है। अभी देखो यार, वहां पर सब कुछ ठीक हो चुका है, ट्रेवर अंदर था, ट्रेवर भी बाहर हो चुका है, बट यार लेस्टर अंदर ही रह गया है और उसको पता है लेस्टर एक ऐसी चीज है जिसके दम पर ये सारे के सारे काम करते हैं। तो यार अभी हमें कुछ भी करके अपना दिमाग लगाकर अपना प्लान बनाकर लेस्टर को जो है वहां से बाहर करना पड़ेगा। लेकिन कैसे अभी ना एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार फ्रैंकलिन कहां पर चला गया। फ्रैंकलिन को ना एक बार एक कॉल लगाता हूं, जब लास्ट टाइम हमारी फाइट हुई थी ना तो फ्रैंकलिन जो है झटके से गायब हो गया था। तो अभी ना फटाफट से एक बार ना फ्रैंकलिन से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो भी जल्दी से यहां पर मैं एक बार ना फ्रैंकलिन को कॉल लगाकर देखता हूं कि आखिरकार उसका नंबर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। और ये जो फ्रैंकलिन का नंबर है ना, ये बहुत ज्यादा सीक्रेट नंबर है, उसने ये नंबर किसी को भी नहीं दे रखा है। अभी फटाफट से ना उसको मैं कॉल लगाता हूं और देखते हैं मेरे दोस्तों। भाई साहब उसने फोन उड़ा लिया, मेरा मोबाइल चार्ज क्यों नहीं हो रहा? अब हो रहा है दोस्तों, यहां पर जो फ्रैंकलिन से बात हो गई। और यार सबसे अच्छी बात पता क्या है? हो रहा है दोस्तों, अंडर वाटर माफिया भी है। मतलब कि जब लास्ट टाइम वहां से फ्रैंकलिन भागा था ना, तो वो ये कह रहा था कि ना उसके बहुत ज्यादा चोट लगी थी, बहुत ज्यादा गोलियां लगी थी और उसके सामने गाड़ी खड़ी थी, तो जल्दी से थोड़ा सा तो आगे आया। बीच रास्ते में उसे अंडर वाटर माफिया भी मिल गया और साथ में वो भी मिला था, मतलब कि जो लेसर का पार्टनर था। बट यार वो बहुत घायल हालत में है, तो अभी वो हॉस्पिटल में है, ठीक नहीं हुआ। फ्रैंकलिन ने मुझे अपनी लोकेशन बता दिया है जहाँ पर वो अंडरवाटर माफिया के साथ छुप के बैठा हुआ है, तो भी ना जल्दी से मैं उससे मिलने चलता हूँ। लेकिन यार उसने ना मुझे बोला है ट्रेन के वेयर हाउस में छुपकर बैठा हुआ है, जहाँ पर ना मतलब कि मालगाड़ी में सामान लोड होता है। अब यार देखो, इस टाइप की जो जगह है ना वो लॉस सैंटोस में एक नहीं है, 2-3 उस टाइप की जगह है। तो ना अभी जल्दी से मुझे एक जगह याद है, तो वहां पर चलकर देखता हूँ, क्या पता फ्रैंकलिन मुझे वहीं पर मिल जाए। तो यहाँ पर देखो, वहां जाने के लिए ना मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से नीचे उतारना पड़ेगा। तो वो वेयर हाउस मैंने देखा था, वो देखो सामने की तरफ में शायद से इसी वाले वेयर हाउस में हो सकता है फ्रैंकलिन। बाकी ना यहाँ पर सामने की तरफ में पुलिस वालों की तो गाड़ी खड़ी है और यहाँ पर इसके अंदर से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है और ये गाड़ी की क्या हालत हो रही है भाई। अब तो मैं कंफर्म हूँ कि फ्रैंकलिन यहीं पर है भाई साहब। गाड़ी कितनी बुरी तरह ठोकता यहाँ पर लेकर आया है, तो भी ना जल्दी से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, अपनी ना गाड़ी में बैठ के चल लेते हैं। मेरे को लग तो रहा है कि फ्रैंकलिन अंदर ही होगा, क्योंकि अगर वो छुप के बैठा है, मतलब कि वहां से जब वो भाग कर आया था, तो क्या पता वो इसी गाड़ी में बैठ कर आए हो। तो जल्दी से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ यहाँ पर। अभी तो फिलहाल मेरे को कहीं पर भी फ्रैंकलिन उतर, ये देखो भाई साहब यहाँ पर भी आपको नजर आ गए फ्रैंकलिन और अंडर वाटर माफिया। तो भी ना जल्दी, यहाँ पर ये उदास किस लिए बैठे हुए अंडर वाटर माफिया, तो यहाँ पर अभी इन लोगों ने ना मेरे को देखा नहीं, तो जल्दी से इनसे बातें करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने सारी की सारी बात फ्रैंकलिन को ऑलरेडी कॉल पर समझा दी थी और मैंने इसको बोला था कि ना जल्दी से कोई प्लान ढूंढो, मतलब कि ना आज हमें कुछ भी करके 10 घंटे के अंदर जो है लेस्टर को बचा के लाना है। मतलब कि अगर 10 घंटे जैसे बीत जाएंगे तो वो जो है लेस्टर को डायरेक्टली मार देगा, या फिर हमें 10 घंटे से पहले वहां पर उसके ड्रग्स लेकर पहुंचना होगा। तो भी ना कुछ भी करके हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, वरना यार वो लेस्टर को जरूर मार देगा। तो भी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर सबसे पहले पीछे लेता हूँ और सामने ना यहाँ पर वुडन वाले जो दोस्तों मैं ले रहा हूँ एक तलवार, जल्दी से जगह को मैं तोड़ के बाहर निकल लेता हूँ। क्योंकि गाइस अभी ना हम लोग फिलहाल यहाँ पर जाने वाले सीधा ट्रैवर के घर पर, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम पुलिस वालों को फ्रैंकलिन का घर भी पता चल गया था। तो भी ना जल्दी से ट्रैवर के घर पर चलते हैं। और यार अभी ना सबसे बढ़िया चीज ये है कि हम चारों ने मिलकर एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्लान बनाया है और उस प्लान में ना मतलब कि हमें 3-4 चीजें करनी है, बट यार वो जो प्लान है ना उसके सक्सेसफुल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो देखो यार जो फ्रैंकलिन ने प्लान बनाया, उस प्लान में करना क्या है हमें, तो आपको पता होगा कि जो बिग माफिया
रुपए का बेटा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि जब हम लोग इसके ड्रग्स उसे वापस ला कर दे देंगे, यानी कि उसका काम हम लोग अगर कंप्लीट कर देंगे तो वो सीधा माइकल एंड ट्रेवर दोनों को मार देगा। लेकिन भाई साहब अगर हम लोग एक बुलेट प्रूफ व्हीकल में बैठ कर अंदर जाए, मतलब एक ऐसी गाड़ी जिस गाड़ी पर बिल्कुल भी ना लगे, कुछ भी कर लो, मतलब आग लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उस गाड़ी को टच से मस ना कर पाए कोई भी। तो देखो भाई जैसा कि ट्रेवर ने कहा था कि जैसे हम लोग उसका काम करेंगे, यानी कि जैसे हम लोग उसके ड्रग्स उसे ला कर दे देंगे, उसके बाद वो माइकल और ट्रेवर दोनों को मार देगा। लेकिन गाइस अगर हम लोग एक ऐसी बुलेट प्रूफ व्हीकल में बैठ कर जाए जिस व्हीकल में ना ही कोई आग लग पाए, जितनी मर्जी गोली चला लो लेकिन वो गाड़ी फूटे ना और अंदर वाले बंदे को एक भी गोली ना लगे, तो अभी ना हमें किसी ऐसी गाड़ी का जुगाड़ करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस टाइप की जो गाड़ी है ना वो बैनी जरूर बना सकता है। तो बिना जल्दी से हम लोग इस वाले घर के अंदर चलते हैं। फ्रैंकलिन कैरेनो से एक जगह पता है जहां पर इस टाइप की गाड़ी मिल सकती है। तो अभी फिलहाल हम लोग ट्रेवर के घर पर आ चुके हैं, यानी एक्लिप्स टावर पर आ चुके हैं। तो यहां पर भी चलते हैं हम लोग सीधा ऊपर वाले एक्लिप्स टावर और देखते हैं वहां पर बैठ के प्लान बनाते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहां पर मैं लिफ्ट से उसको मार रहा हूं आ चुका हूं। जल्दी से हम लोग ट्रेवर के अपार्टमेंट के अंदर चलते हैं। और भाई यार देखो उसका जो घर है ना बहुत ज्यादा बड़ा है, यहां पर काफी ज्यादा अच्छी खासी साफ सफाई भी है। तो यहां पर भी बैठकर हम चारों लोग प्लान बनाने वाले हैं कि आखिर हमें आगे क्या करना है। और जो आइए दोस्तों क्रीपर को थोड़ी बहुत ना इंफॉर्मेशन रहती है हर चीज की, बट अगर भी देखते हैं फ्रैंकलिन को भी थोड़ा बहुत पता होता है, इससे पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो भी गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर फ्रैंकलिन से बात हो गई और फ्रैंकलिन की पार्किंग है ना उसमें प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए ना बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हैं, तो वहां से जाकर हम लोग वो गाड़ी जो है ना चुरा कर ला सकते हैं। और यार ये देखो ये है ट्रेवर का गेमिंग रूम। और यहां पर ना अभी फिलहाल मैं इधर आया हूं चेक करने अपने बैंक का बैलेंस ऑनलाइन, तो मुझे पता नहीं यार मेरे बैंक में इस टाइम कितना पैसा है, चेक करता हूं कितना पैसा मेरे पड़ा हुआ। ओ भाई साहब $2 भाई देख रहे हो, मतलब कि बिल्कुल पैसा बचा ही नहीं है भाई बैंक में सच्ची में। अभी चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसा वैसा तो बाद में भी आता रहेगा, अभी ना कुछ भी करके हमें लेस्टर को आज की डेट में बचाना है। तो यहाँ पर फटाफट से ना मैं ट्रैवल को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि यार फ्रैंकलिन का कुछ भरोसा नहीं रहता है, कभी भी भाग सकता है। बाकी यार फ्रैंकलिन भी बहुत बढ़िया बंदा है लेकिन यार ट्रैवल अलग ही चीज है, तो अभी ना ट्रैवल को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर हो जाते हैं भाई सच्ची में। अब जो हम काम करने वाले हैं ना यहाँ से हो चुकी है भाई लेस्टर को बचाने की शुरुआत। अब यार देखो मैंने कुछ भी करके हमारे पास सिर्फ 10 घंटे का टाइम है, तो दोस्तों आज की डेट में लेस्टर को बचाना है। तो भी अभी चलते हैं अंदर। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं नीचे लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर तो आ गया हूं और अभी मैं सीधा जाने वाला हूं सबसे पहले एम्युनिशन की शॉप पर, क्योंकि आपको पता होगा मेरे पास तो मेरा देसी कट्टा है बट यार ट्रैवर के पास ना अभी कोई भी वेपन नहीं है, कोई भी गन नहीं है, तो सबसे पहले से एम्युनिशन की शॉप से मेरे को गन दिलानी पड़ेगी। अब यार देखो ना मैं इसको एक ऐसी गन दिलाऊंगा, मतलब कि आपको पता होगा कि जब भी हम लोग सीक्रेट बेस में एंटर होते हैं जहां पर बिग माफिया का जो बेस है, तो जब भी हम लोग वहां पर एंटर होते हैं ना तो वहां के जो स्वैट सोल्जर्स है ना वो चेक कर हमारे सारे के सारे वेपन छीन लेते हैं और फिर यार हमारे हाथ में ना पावर नहीं रह जाती, बिना गन के यार समझ लो कोई भी बंदा पावरफुल नहीं है। तो अभी ना एक काम करेंगे, मैं एक ऐसी पिस्टल खरीदूंगा जिसको ट्रैवर या तो गाड़ी में छुपा देगा या फिर हम लोगों ने उसे पॉकेट में छुपा देंगे कि जब वो लोग चेकिंग करें तो उनको पता ही ना चले कि हमारे पास कोई पिस्टल है। तो फिर ना जल्दी से यहाँ पर मैं एम्युनिशन की शॉप पर जा रहा हूँ, एकदम जो छोटी वाली पिस्टल आती है ना वो बाय करेंगे और वो मैं ट्रैवर को दे दूंगा या फिर हम लोग ना गाड़ी में ऐसी जगह छुपा देंगे कि किसी को भी पता ना चले। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी पकड़ के आते पहुंचने वाला हूँ एम्युनिशन की शॉप पर और वहां पर चलकर देखते हैं कि हमें कौन सा वेपन बाय करना चाहिए जो कि एकदम मतलब कि हाइड हो जाए हमारी पॉकेट के अंदर। और यहां पर जो एम्युनिशन की शॉप है पीछे तो नहीं लगी ना, नहीं 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 ये जो सामने वाली शॉप है ना यही एम्युनिशन की शॉप है। तो भी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहां पर पार्क करता हूं और जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं कि मुझे कौन सा आर्मर खरीदना चाहिए, कौन सा वेपन खरीदना चाहिए और जो भी है देखते हैं क्या क्या यहां पर मिलता है। अभी फटाफट यहां पर सबसे पहले तो मुझे ड्राइवर के लिए गन्स बाय करनी है और यहां पर अभी जो सबसे छोटी वाली गन है ना एक तो ये भी है और एक ये भी है और यहां पर एक सेकंड रुक जाओ नीचे की तरफ में पिस्टल चीज़ ये देखो ये जो गन है ना भाई बहुत ज्यादा छोटी है तो यहाँ पर ये वाली गन बाय कर लेते हैं। इस गन को ना बस हमें एकदम छुपा देना है और यहाँ पर इस गन में थोड़ी बहुत स्किन लगवा देते हैं, आर्मी टिंट करवा देते हैं जो भी है बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, एमो थोड़ी सी डलवा देते हैं, बाकी तो सब कुछ जो है फुली अपग्रेड है। तो यहाँ पर भी ये जो गन है ना मैं ट्रैवल को दे दूंगा और बाकी ना मुझे यहाँ से मतलब कि आर्मर चाहिए जो कि यार बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि मैं मैक्स आर्मर लेने वाला हूँ ताकि जो गोलियां अगर ये लोग मेरे मारे तो उसका ना ज्यादा फर्क मेरे बिल्कुल भी ना पड़े। तो भी यार देखो एकदम सब कुछ बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ से बाय कर लिया, ज्यादा कुछ मेरे को बाय नहीं करना था, बस ये एक दो चीजें थी जो कि बाय करनी थी। और यहाँ पर ना भी फटाफट से मैं ट्रैवल को ये वाली जो पिस्टल है ये दे देता हूँ। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं उस जगह पर जाने वाला हूँ जहाँ पर मुझे फ्रैंकलिन ने जाने
अबे देखो फ्रैंकलिन ने मुझे कहा था कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ऑफिस है ना, इन ऑफिस के नीचे ना एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी बेसमेंट बनी हुई है। मतलब कि यहाँ पर जितने भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह अपने ऑफिस में आते हैं तो वो अपनी ना सारी की सारी गाड़ियाँ नीचे बेसमेंट में पार्क करते हैं। तो उसमें से ना एक मिनिस्टर है जिसके पास ना एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी बुलेट प्रूफ व्हीकल है। तो फ्रैंकलिन ने मुझे बोला उसकी गाड़ी हमें चलानी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा तगड़ी है। और बेसिकली वो जो गाड़ी है ना वो बनाई इसलिए गई है कि उसके अंदर ना कोई भी अगर बंदा बैठा है तो वो किसी भी कीमत पे मारा ना जाए। तो मैंने जल्दी से मैं वहां पर चलता हूँ और देखते हैं कैसी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है। फिलहाल जो तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ऊपर। यहाँ पर ना आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो एक दो पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। बट यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि अभी मुझे अपनी गाड़ी लेकर कहाँ से अंदर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ना देखो सामने की तरफ में आपको बैरियर लगा रखे हैं और अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर मैं देखो भाई साहब गोलियां चलाना शुरू कर दी, अभी बैरियर तोड़ा था और यहाँ पर तुम्हारी बदमाशी शुरू हो गई। इसलिए मुझे ये पुलिस वाले बड़े गंदे लगते हैं। मतलब कि मैंने गोली चलाई भी नहीं और यहाँ पर तीन निकल और भाई साहब ट्रैवल गोली किसने चला रहा है इसको मारे इसके मुंह पे। और भाई साहब अभी देखो यहाँ पर ना अभी आर्मर ना पहना होता ना अपना तलवार, मेरी तलवार की तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रैवल ने बहुत सारे बंदे तो मार दिए, पीछे की तरफ में अभी और भी ज्यादा बंदे बचे हैं। तो अभी तो यार मैं देखो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। अभी ना बस मुझे कुछ भी करके अपनी गाड़ी लेकर ना यहाँ से आगे जाना है। और ये देखो भाई साहब ये बहुत देर से चुना हो रहा है और ये जो ऑरेंज वाली कार आप लोग देख पा रहे हो ना यही है वो बुलेट प्रूफ कार जिसको मैं चुरा जिनको माना जरूरी है। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, मेरा निशाना नहीं छूने वाला, अभी चौथा भी गया यहाँ पर। और कोई है क्या जल्दी से बता दो अगर और कोई है तो। और अपनी गाड़ी किसने फोड़ दी भाई साहब, ट्रैवल वही है भाई, ट्रैवल जल्दी से इधर आ जा वरना दिक्कत रहेगी भाई, बहुत ज्यादा बंदे इधर भी। एक और गया, मेरा जो देसी कट्टा है ना वो मैं इसीलिए चलाता हूँ कि एक गोली मारनी पड़ती है और बंदा सीधा डाउन हो जाता है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ये भी गया, ये भी गया और यहाँ पर अभी कोई बचा है इसके पीछे ही बचा हुआ तेरी ऐसे किसी निकल यहाँ से। और गए सर अभी फिलहाल यहाँ पर जितने भी पुलिस ऑफिसर थे ना मैंने सबको मार दिया है। बाहर की तरफ में एक बार मैं रास्ता सही से साफ कर देता हूँ ताकि ना मुझे यहाँ से भागने में बहुत ज्यादा आसानी हो। तो इस तरफ में भी बंदा खड़ा, रुक जाओ अभी ना मेरे को अपनी अजोल्ट राइफल निकालनी पड़ेगी। और एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर ना स्कोप खोल खोल के मारेंगे अभी तो इनको बहुत बुरे वाला। तो निकल देगी ऐसी की तरह। और यहाँ पर एक ये भी आ गया, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और ये भी हटाओ भाई, मेरे को लग रहा है ना हेलीकॉप्टर्स भी आ गए हैं। अबे यार ये छोटी सी गाड़ी चुराने के लिए तुम हेलीकॉप्टर वगैरह सब बुला लो, लेकिन यार देखो मिनिस्टर की गाड़ी है इसीलिए ना यहाँ पर भाई अभी बहुत ज्यादा कलेश हो सकता है सिटी में। तो चलो गाइस अभी ना मैं जल्दी से यहाँ पर जो बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी है ना इसको लेकर आ जाता हूँ। तो चलो गाइस गाड़ी को अपनी आगे भगाते हैं 3, 2, 1 और यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को बाहर निकाल दिया है। और यार ये जो गाड़ी है ना देखने में तो बहुत ज्यादा भारी लग रही है और इस गाड़ी में आगे गोलियां भी लगी हुई है वो भाई बहुत जबरदस्त। तो ड्राइवर भाई जल्दी से गाड़ी में बैठो और यहाँ से मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल लेता हूँ। कैसे एक काम करते हैं यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी कर देता हूँ और ना टेस्ट कर दें कि ये लोग हमारे पे जितना मर्जी अटैक कर ले यहाँ पर हमारी गाड़ी को कुछ होता है या फिर नहीं होता। अभी तक तो फिलहाल हमारी गाड़ी से सिर्फ और सिर्फ धुआं निकल रहा है लेकिन यार और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई गाड़ी में ना आगे गोलियां भी लगी हुई है। मतलब कि अभी जितने भी बंदे आगे आने वाले ना सबकी गाड़ियां मैं ऐसे फोड़ दूंगा। ये देखो यहाँ पर इन पुलिस वालों की गाड़ियों पे गोलियां मारना शुरू करी है और गाड़ी में आग लगी, पुलिस वाले भी जल के मर गए भाई, बहुत जबरदस्त है। इस वाली गाड़ी में जो पुलिस वाला बैठा था उसको भी मार दिया भाई। ये जो तो दोस्तों अभी मैंने कर दिया अपना इंसान सब कुछ, लेकिन गाइस एक दिक्कत हो गई है अभी तक ना गाड़ी के शीशे टूटे लेकिन यार आगे वाला जो शीशा है ना पूरा बुलेट प्रूफ था। पुलिस वालों की इतनी ज्यादा गोलियां चलाने की वजह से वो टूट गया। तो बिना फटाफट से यहाँ पर इस वाली गाड़ी को मैं लेकर निकल लेता हूँ बैनी के पास। यहाँ पर मैं और ज्यादा बुलेट प्रूफ करवाएंगे। और ये देखो यहाँ पर ना गाइस अभी सारे शीशे टूट गए हैं, मतलब कि अगर अब पुलिस वाले हमें मारेंगे तो शीशों से हमें गोलियां लग सकती है। सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी विंडोज है ना मुझे उनको पूरा का पूरा एकदम मतलब पूरा बुलेट प्रूफ कराना पड़ेगा ताकि पुलिस वाले मेरे एक भी गोली ना मार पाए। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगा देता हूं, शोरूम पर तो पहुंच चुका हूँ, यहाँ से ना बस मुझे नीचे बेसमेंट में जाना है और जो अपना शोरूम है वो आ जाएगा। तो भी ना जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को नीचे बेसमेंट में लेता हूँ। और यार देखो आज आने वाली जो पार्किंग है पूरी की पूरी खाली पड़ी है। अब अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर एंटर करवाता हूँ, लिफ्ट से चलते हैं नीचे। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर नीचे अपने शोरूम में आ चुका हूँ। जल्दी से अपनी गाड़ी जो है बैनी को दे देता हूँ और ये फटाफट से रिपेयर कर देगा। तो अभी जल्दी से मैंने बैनी को बुला लिया है और यहाँ पर अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लेते हैं। तो ओके गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बैनी से बात होगी और मैंने बैनी को बोल दिया कि जो अपनी गाड़ी है ना ऑलरेडी पूरी बुलेट प्रूफ है और टायर प्रूफ भी है, बस वो थोड़ी सी बुलेट प्रूफ करनी है ताकि अगर हम लोग अंदर भी बैठे रहे तो हमारे एक भी गोली ना पड़े। फिलहाल बैनी ने मुझे बोला कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं पूरी की पूरी गाड़ी रिपेयर भी कर दूंगा और
इसकी जो ग्लासेस है मतलब जो इसकी विंडो है वो भी बुलेट प्रूफ कर दूंगा, अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं लिफ्ट से ऊपर तो आ चुका हूँ और यार जब तक बैनी हमारी गाड़ी रिपेयर कर रहा है तब तक ना मेरे को अपना एक काम और निपटाना है। आपको पता होगा कि बिग माफिया के बेटे हुए हमें ड्रग्स भी ले जाकर देने हैं और उसे ड्रग्स ले जाकर नहीं दिए तो सीधी सी बात है वो अपने सीक्रेट बेस के अंदर एंटर ही नहीं होने देगा और साथ में लेस्टर को भी को मार देगा। तो इसीलिए यार अभी ना जल्दी से चल रहे थे सीधा यार ड्रग्स को लेने। अब यार देखो ड्रग्स जो है ना वो मिलिट्री बेस वालों ने जब्त कर रखे हैं उसके, तो यार देखो उनसे लाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और काफी ज्यादा मुसीबत का काम भी है, तो यार वहां पर तो मैं नहीं जाने वाला। लेकिन यार मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है, तो देखो यार अभी ना जो मैंने प्लान बनाया वो ये है कि हम लोग ना उसको फेक ड्रग्स ले जाकर देंगे, मतलब कोई जो कि दिखने में एज इट इज ड्रग्स जैसे ही हो ताकि ना एक बार उस बेस के अंदर हमारी एंट्री हो जाए। अगर देखो एक बार उस बेस के अंदर एंट्री होगी ना तो उसके बाद पूरा पूरा खेल। तो दोस्तों मैंने लिए अभी अपनी शील्ड जो कि मैंने बैनी को मॉडिफाई होने के लिए अभी दे रखी है उसको पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ करवा देंगे। सिर्फ और सिर्फ उसके ना विंडोज रह रही थी वो भी अभी बैनी पूरी बुलेट प्रूफ कर देगा, यानी कि तो वो लोग बाहर से चाहे जितनी मर्जी गोलियां चला ले हमें कुछ नहीं होने वाला। फिर उस गाड़ी से हम लोग क्या करेंगे जितने भी वहां पर सोल्जर्स हैं जितने भी स्वैट सोल्जर्स हैं सभी लोग को मार देंगे और लेस्टर को उस गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल देंगे। पहुंचने वाला सीधा ट्रेवर के घर यानी एक्लिप्स टावर पर और मैंने ना अभी फ्रैंकलिन को भी फोन करके बोल दिया कि अंडर वाटर माफिया क्योंकि अभी ना मिशन पर जाने का टाइम जो है आ चुका है तो अभी ना कोई भी देरी नहीं करनी और इनको यार सारी की सारी बात भी बता दी कि कैसे करना है सब कुछ। तो भी ना जल्दी से तो दोस्तों अभी आ रही थी नींद तो मैं भी उठ चुका गुड मॉर्निंग भाई साहब। ये देखो मेरी अच्छी खासी गाड़ी अब आइए चलते हैं अपने टूर। ये क्या बिल्कुल भी कुछ और इतनी बुरी वाली टक्कर लगी थी और लेफ्ट से जा रही है रोल्स रॉयस। तो भी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी के पास कर देता हूं और जल्दी से भी ना यहां पर वेट करते हैं फ्रैंकलिन एंड अंडरवाटर माफिया का। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी चलते हैं और ये देखो यहां पर फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया भी जो है आ चुके हैं। तो भी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठकर निकल लेता हूं और इनको ना पूरा का पूरा प्लान जो एक्सप्लेन करेंगे और अभी ना कुछ भी करके मेरे को जल्दी से कुछ ऐसे वेपन्स की जरूरत है। दोस्तों मैंने अभी देखा छोटे वाला है अंडरवाटर माफिया। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि चारों लोग जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं और ना जल्दी से अभी हमें निकल रहे हैं सीधा ड्रग्स का जुगाड़ करने के लिए। अब देखो अंडरवाटर माफिया को एक जगह पता है जहाँ पर ना मेरे को जैसे बॉक्सेस मिल जाएंगे जिनके अंदर उसके अंदर ड्रग्स है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं जितना हो पाता है उतना ले लो। बाकी यार वो जिस ड्रग्स की बात कर रहे हैं ना वो तो यार बहुत ज्यादा अलग है। चलते हैं मारने उन्हें के पास से और वहां पर जाने का कोई मतलब नहीं। सीधा हम लोग थोड़ी सी भूख लगेगी तो ड्रग्स के जिसके अंदर वो पैक होता है वो बॉक्स से हम लोग चल लेते हैं। तो गाइस ये कह रहे हैं कि उस बंदे का जो घर है वो आगे से राइट चिकन नहीं है कोब घर पर चलते हैं और देखते हैं कि उसके पास में ड्रग्स के बॉक्सेस मिलने वाले हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल देखो यही जगह है जो कि अंडरवाटर माफिया ने बताई थी और तो दोस्तों लेकर पहुंच चुका हूं। तो यही वो घर है जिसकी बात कर रहा था अंडरवाटर माफिया। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, अभी मैं अकेले जा रहा हूं सबको ले चलो कोई दिक्कत की बात नहीं सारे भी आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर किसी घर की बात करी थी अंडरवाटर माफिया ने तो भी जल्दी से मैं घर के अंदर चलकर देखता हूं और ये देखो भाई यहाँ पर ना भाई हद से ज्यादा बॉक्सेस ही बॉक्सेस पड़े हैं और देखो यार ये ना टॉय के बॉक्सेस हैं इनके अंदर ना टॉय आता है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में।